फोर्थ क्वेश्चन देखो, 50 ml ऑफ ईच गैस ए एंड बी ऑफ गैस टेकन इन द 150 ml, पढ़ो सब लोग पर बढ़िया क्वेश्चन ये भी है ना, इसमें दोनों के टाइम अलग अलग दिए हैं, एबी के वॉल्यूम सेम दिए हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो आ जाएगा, उसको सिंपली m2/m1 लिख दो बस, है ना। ठीक है, दो कैसे करेंगे, अब लिख सकते हैं आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए कर देते हैं, बस ये करना है, है ना। सारी वैल्यू डाले, आ रहे क्या हो जाएगा, वी ए बाई टी हो जाएगा, आर बी इतना जाएगा, वी बी बाई टी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे एक बार, है ना, ट्राई करो, नहीं होता तो मैं सॉल्व करता हूँ। निधि, प्रिंस, आशु, ट्राई करो, जो सॉल्व किया भाई,
सर हाँ बोलो सर, सॉल्व किया? अच्छा सर इसमें मेरा आंसर 20.25 आ रहा है सर। मैं 64 चलो सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यस सर। देखो एक बार, एक मिनट यार, ये नितिशा का मैसेज आ रहा है ना, अटेंड नहीं किया इसने तो आज। देखो मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, है ना। देखो चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसा देखा किसने क्या दे रखा है इन्होंने, फिफ्थ है ना, फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इनसे क्या दिया इन्होंने। फोर्थ का आंसर दिया इन्होंने एन, एन माने नन आ रहा है, चलो क्वेश्चन गलत दिया हुआ कुछ तो, चलो चेक करते हैं एक बार, है ना। फिफ्टी ml each of gas A and B takes 150 and 200 seconds respectively, है ना? देखो जो जो डेटा दिया वो लिख लेते हैं ना, इसमें दो गैसेस ली हमने, A ली है और B ली है, ए का भी 50 ml लिया है और बी का भी 50 ml लिया हुआ है, ठीक है। ए के लिए जो टाइम लगता है वो 150 सेकंड है, दूसरे के लिए 200 सेकंड है, इसका जो टाइम लग रहा है वो 150 सेकंड से इसका 200 सेकंड से, ठीक है। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज 36, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पूछे तो बी का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 36 दिया है, और जो अपना एम ए है वो क्वेश्चन मार्क है ना, ये 150 सेकंड्स दे रखा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है हमें, हम सिंपली ये लिख सकते हैं आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी बाई एम ए, ये कर सकते हैं ना। आर ए कितना दिया मुझे, आर ए हो जाएगा वी ए अपॉन टाइम ऑफ ए, ये हो सकता है। आर बी कितना हो जाएगा वी बी अपॉन टाइम ऑफ बी, ठीक है। हेलो हाँ, गैस स्टेट करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना, गैस स्टेट के। सर कौन से चैप्टर का करा रहे हैं? गैस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके सर। यार देख इनऑर्गेनिक का वही है, मैं मतलब तुम भी ना बोर हो गए उस दिन, भाग गए बीच से भी, तो फिर अगर पढ़ने वाला है पढ़ लो अपने आप, जो जिसमें कुछ दिमाग लग रहा है वो बता देता हूँ, ठीक है। सब पी ब्लॉक हो गया कंप्लीट? पी ब्लॉक में कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, वैसे सच कुछ क्या पढ़ाऊं मैं, सारे रिएक्शन लिखवा रहा था एनसीईआरटी वाले। ओके सर, मुझे लग रहा है कि वही करा दूं जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप की चीजें हैं ना। सर आप डाउट्स ही बताया करिए, मींस क्लासेस में भी किसी दिन, मींस कितने कोई बच्चे के किसी दिन कोई बच्चे के, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो डाउट्स में ही होते हैं। अब तो ये एंड टाइम है, नोट्स तो सारे बच्चे के पास होंगे ही, तो गैसेस के डाउट सब पूछो, निकालो तुम्हारे पास जो भी पड़े हो, किया तुमने गैसेस? यस सर। ठीक है पूछो गैसेस के डाउट, तो यह क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा था इन सबको, क्वेश्चन नंबर 4th जो पीडीएफ है अपना उसी का, अंडर रूट एमबी बाय एमए हो जाएगा, बी ए कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए इज 50 एमएल डिवाइड बाय टाइम ऑफ ए कितना दिया बेटा 150 सेकंड्स दिया है। देखो वी ए बी बी सिंपली कैंसिल जाएंगे, सिंपल सी बात, दोनों वॉल्यूम सेम दिए हुए हैं ना, तो उसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, या जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैंसिल हो गया, ऊपर टाइम हो जाएगा हमारा टी बी, नीचे हो जाएगा टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बी बाई एम ए आ जाएगा, है ना। टी बी कितना है, टी बी इज सिंपली
200 अपॉन 150 अंडर रूट एम बी कितना है 36 है और एम ए बताना है ना, ये डाउट था बस। स्क्वायर कर देते दोनों साइड में तो जाएगा 16/9 इज़ इक्वल टू 36 अपॉन एम ए, एम ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम ए हो जाएगा सिंपली 36 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16। सॉल्व कर लो जितना ही करना है, 81/4 के आसपास आ रहा है। कितना बोला था, 20 पॉइंट समथिंग बोल रहा था ना, वही आ रहा है, इसमें सारे आंसर गलत थे। चलो क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा करें, फिफ्थ करें, फिफ्थ क्वेश्चन देखो सब लोग। हाँ इसमें चैप्टर थ्योरी में इतना ही है बस, बस क्वेश्चंस हैं बाकी सारे। गैसेस में थ्योरी के नाम पे बहुत कम ही है, बाकी जो भी है ना क्वेश्चंस हैं सारे, क्वेश्चंस में बहुत वैरायटी बन जाती है। पढ़ा चुके हैं जीओसी 1 जिसमें इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें माइनस आई माइनस आर था, स्टार्टिंग में कराया था बिल्कुल जीओसी 1 को। सर उसके डाउट्स पूछ लो यार, इनका गैसेस तो करा दूं मैं जो स्टार्ट किया मैंने, है ना। तो एक काम करता है, तो आज आज तेरे 5 डाउट है वो मुझे सेंड कर, मैं रिप्लाई करता हूं, ठीक है। ओके ओके सर कौन से चैप्टर के गैसेस के या जो मेरे डाउट्स हैं वो गैसेस दे ना, तुम एक ही चैप्टर लेके बैठी हो शुरू से, जीओसी लेके बैठी हो, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, बाकी चैप्टर किए तो नहीं भी बताओ। सर एक-एक करके कर रही हूं, वो पहले पढ़ी थी, अभी जीओसी नहीं पढ़ी हो, कंप्लीट नहीं, वैसे उसके डाउट्स पूछ रही थी। और ये बाकी जो गैसेस हैं, एटॉमिक है, मोल्स है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कहां किए तुमने, अभी तक किए ही नहीं क्वेश्चंस। मतलब सिर्फ एक चैप्टर लेके बैठने से क्या फायदा होगा ये बताओ, वही उसी पे रिसर्च करते रहो, क्या क्या मिलेगा मतलब उससे, ये सारे उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक चैप्टर पढ़ने के अलावा एक दिन में उससे ज्यादा टाइम देना ही नीचे, इस समय समझ रही है ना अब तू। yes, जो sir. हाँ तो क्यों परेशान है तू, मतलब तू क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन कर रही है, रिसर्च वाले क्वेश्चंस कर रही है, एक्सेप्शन टाइप वाले, जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स के वैसे करो ना। अभी तो अभी प्रिपरेशन का मेन मोटो क्या होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आने वाले वैसे क्वेश्चन हम करें। तो बिल्कुल जो हाई फाई क्वेश्चंस है ना एडवांस वाले उनके पीछे पड़ी है, फालतू में परेशान हो रही है। तो कम से कम प्रीवियस ईयर हर हर चैप्टर कम से कम 21 बार तो कर डालो ना, सुन रही हो ना। यस सर। हाँ तुम्हें अगर मार्क्स लाने तो यही करो बेटा, रोज एक चैप्टर उठाओ अपना प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन और उसी को सॉल्व कर डालो अच्छे से। इतना कर लिया तो बहुत हो जाएगा मुझे लग रहा। अब तुम एक ही चैप्टर लेके बैठे हो, जीओसी तुम पिछले 2 हफ्ते से कर रही हो, मुझे अभी खत्म ही नहीं हुआ तुम्हारा। एल्डिहाइड कर लिया सारा, मैंने कराया था जो। यस सर। और अल्कोहल्स? नो सर अल्कोहल नहीं, अभी जीओसी किए हैं और एल्डिहाइड किए हैं, बस 2 ही चैप्टर किए हैं। कितने चैप्टर है बस? 30 चैप्टर है हमारे पास। तो फालतू सर पी ब्लॉक में कर चुकी थी, पी ब्लॉक डी एंड एफ ये सब मेरे हुए हुए हैं। और कितने चैप्टर हो गए तेरे 30 में से? क्या 30 चैप्टर हैं टोटल अपने सिलेबस में? 30 चैप्टर हैं। यस सर। हां कितने चैप्टर? मैं फिजिकल चैप्टर, फिजिकल के चैप्टर्स भी कर चुकी हूं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले पढ़ चुकी हूं, ये सारे क्वेश्चंस किए। यस सर पहले किए हुए हैं, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी। चलो ठीक है ये कराओ, फिर कल करेंगे अपन नया कोई चैप्टर करेंगे, है ना। क्वेश्चन तो करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया यहां पे सॉल्व करो, है ना, दिख रहा है तेरे को क्वेश्चन नंबर 5? यस सर। हाँ
तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन. सर्टेन गैस टेक्स थ्री टाइम्स एज लॉन्ग टू डिफ्यूज आउट एज हीलियम. तो जो गैस है उसको जी मान लें, उसका जो टाइम है मतलब टी ऑफ गैस, टी ऑफ जो गैस है वो हीलियम के टाइम का थ्री टाइम्स है, ये दे रखा है इन्होंने. सर्टेन गैस टेक्स थ्री टाइम्स एज लॉन्ग टू डिफ्यूज आउट एज हीलियम, ये दे रखा है. इट्स मॉलिकुलर मास विल बी, बाकी कंडीशन कुछ दी नहीं, बाकी कंडीशन सेम मान लेते हैं. मिल सकते हैं R of gas upon R of helium is equal to under root molar mass of helium upon molar mass of gas. ये ले सकते हैं. अच्छा R का रेशियो क्या होगा, जो टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होगा. तो जैसे हम T of helium divided by T of gas is equal to under root of molar mass of helium upon molar mass of gas. ये रिलेशन आ जाएगा, इसमें वैल्यू डाल देते हैं. तो T of helium जो है उसको T of helium रखो, T of gas को 3 times T of helium कर दो, is equal to under root of molar mass of helium कितना है 4 है divided by molar mass of gas बताना है. कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दो, 1/9 is equal to 4 upon molar mass of gas. molar mass of gas कितना जाएगा 36 है, ये आंसर है. ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है फिर इसमें, 36 द राइट आंसर. ठीक, और इसमें 20 आया तो कोई नन ऑफ दीज में, मतलब एक और ऑप्शन ई बना लो, 20 वाला है, 20 के आसपास आ रहा था. ये अलग करो, सिक्स क्वेश्चन देखो, देखो सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको, है ना. थोड़ा सा नया क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें कोई दो कंटेनर कनेक्ट कर दिया आपस में, है ना. ये अलग क्वेश्चन करो, सेवन क्वेश्चन बढ़िया है, सब लोग पढ़ो. क्वेश्चन सेवन करना है. यस, अच्छा ये तो कॉमन सेंस है कि जब बबल अंडर वाटर है ना, जब बबल जैसे मान लो कोई लेक है ना, एक बार बबल यहाँ पे आ गया तो यहाँ प्रेशर कितना लग रहा होगा, 1 atm लग रहा होगा, है ना. जब बबल अंदर था तो ऑब्वियसली प्रेशर इतना क्या कितना होगा, यहाँ पे 1 atm लग रहा है, साथ में जो लेक की हाइट है ये वाला प्रेशर भी लगेगा, एच रो जी लग जाएगा, सही है ना. एच मान लो, रो जो है डेंसिटी ऑफ वाटर मान लो, एच रो जी लग जाएगा यहाँ पे. यस और नो? यस सर. जो नीचे है, नीचे बबल का साइज क्या छोटा होगा, ऊपर बबल का साइज क्या बड़ा होगा. उन्होंने कहा बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर टेंपरेचर 15 डिग्री सी एंड प्रेशर ऑफ 1.5 बार, है ना. यहाँ पे प्रेशर है 1.5 बार है, टेंपरेचर कितना है 15 डिग्री सी. ठीक है, ऊपर क्या है, द बबल राइजेस टू सरफेस विद अ टेंपरेचर 25 डिग्री सी, यहाँ पे टेंपरेचर 25 डिग्री सी है ना. प्रेशर इज 1 बार, 1 बार मतलब 1 atm मान ले रहा हूँ, लगभग सिमिलर होते हैं. व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द बबल. तो सिंपली जो बबल के अंदर जो गैस के मोल्स थे वो तो सेम रहेंगे, यहाँ पे थे वही ऊपर रहेंगे. ये सॉल्व तो मोल कंजर्व करा दो, अब बोल दो कि P1 V1 upon T1 जो था वो P2 V2 by T2 के बराबर होगा. जैसे हम वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया सबको. इस गैस बबल के अंदर जो गैस के मोल्स थे वो तो सेम रहेंगे, चाहे बॉटम हो चाहे टॉप हो. ये सॉल्व तो यस सर, सॉल्व करते हैं. हाँ सॉल्व करो, एक बार बताओ आंसर कितना आ रहा है, कौन भागा. डी आंसर है सर. कौन सा आंसर? डी. चलो चेक करते हैं. अच्छा टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना है ना.
सर ए आ रहा है 1.5 रुक रुक चेक करता हूं मैं है ना सर आज क्लास के स्टार्टिंग में क्या हुआ ये गैसेस सेट का ही बताया मैंने स्टार्टिंग से आप लिंक सेंड कर दीजिएगा ठीक है तो T1 कितना आया 288 केल्विन आया और T1 कितना है 1.5 बार है ना और दूसरा प्रेशर कितना कुछ लिख रहे हैं नहीं मैं नहीं लिख रहा हूँ मैं बस बता रहा हूँ दूसरा प्रेशर कितना है 1 बार है और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298 सर ए ही आ रहा है मैंने टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया था हाँ वो गड़बड़ कर दी थी तूने तो P1 V1 upon T1 कर देते हैं ए ऑप्शन आएगा देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं है ना तो P1 is 1 bar into V1 is V1 upon T1 is 298 so to P2 is 1.5 into V2 divided by T2 288 V1 आ जाएगा ये आ रहा है 1.55 आ रहा है ना वही 1.6 के आसपास बढ़ जाएगा ना ये इज द राइट ऑप्शन ठीक है क्लियर है यस सर ये इज द राइट ऑप्शन उसमें 8 देख सकते हो 8 यस सर सारे क्वेश्चंस करते हैं लाइन से हां ठीक है 8 करो अच्छा ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल देखते ही सॉल्व करने वाला है इसमें क्या बोला है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इसका मतलब क्या हुआ दोनों के मोलर मास लगभग सेम होंगे सेम या सिमिलर होंगे अब देख लो सबसे नियरेस्ट मोलर ए ऑप्शन होगा सर हां देखो ए ऑप्शन चेक करो क्या आ रहा है दोनों के 44 दोनों के 44 आ रहे हैं तो यही आंसर ठीक है नेक्स्ट सॉल्व करो नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए नाइन्थ वाले क्वेश्चन में हमें मोल कंजर्व कराने चाहिए ठीक है समझ पा रहे ठीक है एक क्वेश्चन विजय नितिशा नहीं करते हैं वो लोग वो सॉल्व है ना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा 9 कर ले फिर ये नितिशा तेरा सेकंड क्वेश्चन करा रहा है यस सर पहले 9 कर लेते हैं ठीक है पढ़ो नाइन्थ में क्या कह रहा है सर प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है हाँ ए का दिया हुआ है बी का दिया हुआ है और इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है 3 लीटर फ्लास्क में हाँ तो सिस्टम का प्रेशर क्या होगा तो क्या करना चाहिए या फिर मोल कंजर्व करा देते हैं पहले गैस के मोल एन ए मान ले उसके वो मोल एन बी मान ले है ना और फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे इन दोनों के सम के बराबर हो जाएंगे देखो ना तो प्रेशर हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं ना वॉल्यूम कर सकते हैं बट प्रेशर को डायरेक्टली सम नहीं कर सकते ये बात समझ में आ रही है ना अब गैसेस अलग अलग प्रेशर पे है तो वॉल्यूम भी सम नहीं कर सकते तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपली क्या करते हैं मोल कंजर्व कराए ठीक है कैसे कराएंगे देखो मैं नया ये शेयर कर रहा हूँ देखना क्वेश्चन में कौन सा था 9 था 8 था क्वेश्चन नंबर 9 एक मिनट क्वेश्चन नंबर 9 था ना तो 500 ml है 400 टॉर है ना गैस ए जो है वो 500 ml है और 800 टॉर है ठीक है और क्या दिया मुझे सर 400 टॉर है हाँ 400 टॉर है सॉरी
बी बता कितना है? सिक्स सर, बी का डेटा लिखी नहीं हूँ, ए का लिखी थी सर। 666.6 ml है ना, और इसका जो प्रेशर है वो 600 टोर है, प्रेशर है वो 600 टोर है ना। इन सबको हमने क्या किया, एक 3 लीटर फ्लास्क में डाल दिया, तो मुझे पी फाइनल बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि अगर मोल्स ऑफ ए एन ए हो, मोल्स ऑफ बी एन बी हो, क्या ये एन टोटल के बराबर होंगे? यस होंगे, तो मोल कंजर्व करा दिए। हमें पता है पीवी गुणन आरटी होता है, सब बच्चों को पता है ना, तो एन क्या हो जाएगा, पीवी बाय आरटी हो जाएगा, देखो। और टी सब में सेम ले लेंगे, क्योंकि टी के बारे में कुछ कहा नहीं है, शायद कहा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, नहीं कुछ नहीं बोला इन्होंने, तो टी को सेम मानना पड़ेगा वरना सॉल्व नहीं होगा, समझ गए। तुम ले सकते हैं यहाँ पे पी ए इंटू बी ए अपॉन आर टी प्लस पी बी इंटू वी बी बाई आर टी, एंड टोटल कर लेते हैं पी फाइनल इंटू वी फाइनल अपॉन आर टी, ठीक है, आर टी कैंसिल हो गया, तो पी ए बी ए कितना बोलो बच्चा, पी ए इज 500 ml इंटू इतना 400 टॉर प्लस पी बी इंटू वी बी विल बी 600 इंटू 66.66 इज इक्वल टू पी फाइनल बताना है बच्चों को, इंटू वी फाइनल कितना है 3 लीटर, इसे 3000 ml लिख दो, है ना, ml में नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पी फाइनल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 20 के बाद 40 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा 600 इंटू 666.66